हेलो स्टूडेंट, वी स्टार्ट स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 5 सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज रिमेनिंग पार्ट। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने लिक्विड, गैस एंड सॉलिड के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं, हमने बॉइलिंग के बारे में भी पढ़ा, फ्रीजिंग के बारे में भी पढ़ा। आज हमारा नया टॉपिक है सब्लिमेशन। ओके, टेक सम सैंड इन अ क्रूसिबल, पुट अ फ्यू आयोडीन क्रिस्टल ऑन इट, प्लेस द क्रूसिबल ऑन अ ट्राइपॉड टू हीट इट, ब्लॉक द स्टेम ऑफ द फनल विथ अ कॉटन प्लग एंड प्लेस इट इन्वर्टेड ओवर द क्रूसिबल, लाइट द बर्नर एंड हीट द मिक्सचर इन द क्रूसिबल, ऑब्जर्व द चेंजेस। ओके, एक हमको एक्टिविटी करनी है। एक सैंड क्रूसिबल, ये एक मेटल या सिरामिक का कंटेनर होता है, डिश ऐसा होता है जिसको हम किसी सब्सटेंस में अगर हाई हीट पे गर्म करते हैं तो उसमें मेल्ट हो जाती है या लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो ये सब्सटेंस में, ये जो क्रूसिबल है, इसको हम हाई हीट गर्म कर सकते हैं। इसके अंदर हम कुछ आयोडीन के क्रिस्टल लेंगे, उसके बाद एक फनल आपको पता ही होगा, लैब में देखा होगा, फनल को लैब में भी रहता है, हम घरों में भी फनल्स यूज़ करते हैं। ओके, तो ये उसके जो ऊपरी हिस्से हैं उसको हम कॉटन प्लग से पैक कर देंगे और उसके ऊपर कवर कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और इसको फिर हम जब हाई हीट पे गर्म करते हैं तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये कॉटन प्लग है, ये फनल है, ये आयोडीन के पार्टिकल्स हैं जो कि गर्म करने पर यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ये इस जगह पे ये जमा हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं उसका रीज़न हम देखते हैं। चलिए, आयोडीन क्रिस्टल डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गैसेस स्टेट। आयोडीन के क्रिस्टल हैं जो कि मेल्ट नहीं होते, वो क्या करते हैं, तुरंत डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। व्हेन द फ्यूम ऑफ आयोडीन हिट्स द वॉल्स ऑफ द फनल दे कूल टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल ऑफ आयोडीन एंड स्टिक टू द फनल वॉल। जब आयोडीन वॉल से उसकी जो फ्यूम्स है गैस की, वो इसे फनल से टकराती हैं तो वो ठंडा होके उसकी फनल वॉल पे जमा हो जाती है, और जैसे ही फिर से थर्स ऑन हीटिंग आयोडीन डज नॉट मेल्ट एंड चेंज टू लिक्विड बट डायरेक्टली चेंज इन द गैस स्टेट। और जैसे ही हम उसको हीट को गर्म करते हैं और ज़्यादा, तो वो तुरंत क्या हो जाती है, मेल्ट भी नहीं होती और लिक्विड फॉर्म में भी नहीं आती, डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और यही चीज किसी सॉलिड सब्सटेंस का गर्म करने पर गैस या वेपर फॉर्म में विदाउट चेंज इनटू लिक्विड और अ मेल्ट, वो कहलाता हमारा सब्लिमेशन। डेफिनेशन देखिए इधर है, द चेंज ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू अ गैस और अ वेपर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इंटू अ लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। किसी सॉलिड सब्सटेंस का चेंज डायरेक्टली गैस और वेपर फॉर्म में विदाउट फर्स्ट चेंजिंग, बिना चेंज लिक्विड के, मतलब लिक्विड बनने के पहले ही वो किस में चेंज हो गया, गैस और वेपर फॉर्म में, ये कहलाता है सब्लिमेशन। ओके, ये क्या कहलाता है हमारा सब्लिमेशन। अब हम पढ़े हैं, यूज योर ब्रेन पावर, ऑन ओपनिंग अ बॉक्स ऑफ कैम्फर इट्स स्मेल स्प्रेड ऑल अराउंड, व्हाई डज दिस हैपन। आपको पता है कैम्फर क्या होता है, हम पूजा घर में इसका यूज़ करते हैं, कपूर का, दवाइयों के लिए भी कपूर का यूज़ होता है, कैम्फर दैट मीन्स कपूर। तो कपूर को जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो उसकी खुशबू फैलने लगती है, तो वो क्यों फैलती है, कैम्फर एक सब्लिमेंट सब्सटेंस है। सब्लिमेंट सब्सटेंस है, मैंने आपको बताया,
ऐसा सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हीट मिलती है, तो वो कैसे किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंज लिक्विड। ओके, तो क्या हो जाता है कि जब कैम्फर सॉलिड स्टेट से गैस और वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, और इस कैम्फर किसे हीट को ऑब्जर्व करता है, सराउंडिंग से, आजू बाजू का जो सराउंडिंग है उससे उसे हीट मिलती है, जिससे वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, और यही गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे आसपास उसके कपूर के आसपास स्प्रेड होने लगते हैं, जिससे कि हमें स्मेल आती है और इसकी मतलब अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से ये कैम्फर अपनी खुशबू को स्प्रेड करता है। ओके, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, अ ग्लास इज इट मेड ऑफ प्लास्टिक स्टील और अ ग्लास, अ रॉड आयरन और अ एल्यूमिनियम, अ डोर वुडन और अ ग्लास, अ वाइट पाउडर सॉल्ट और अ चॉक। आप इन चीज़ों को सबको कैसे पहचानते हो, आपके हाथ में ग्लास है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये प्लास्टिक है, स्टील है, रॉड है, आयरन की है कि एल्यूमिनियम की है, दरवाज़ा वुडन का है कि ग्लास का है, कोई भी वाइट पाउडर ले लीजिए तो आपको कैसे पता चल रहा है कि ये सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, या आप उनको टच करके देखते हो, या उनकी जो क्वालिटी रहती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है, उससे आपको पता चलता है। जैसे वुडन है तो आपको पता है वुड कैसा रहता है, एकदम हार्ड सब्सटेंस रहता है, तो आपको सीधा पता है कि वुड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका लक्षण क्या है, वो हार्ड रहता है, तो आपको पता चल जाता है ये वुड है। कांच का ग्लास है तो ग्लास का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्लास से हम आर पार देख सकते हैं, तो अगर वो ग्लास से हम आर पार देख पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, तो वो किसका ग्लास है, कांच का ग्लास है। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्लास्टिक है, मेटल फॉर्म में, तो वो स्टील का होगा। इस तरह से हम ऑब्जर्व करके, उनको टच करके या उनकी कैरेक्टरिस्टिक से हम पता लगाते हैं कि वो किस सब्सटेंस का बना हुआ है। टू आंसर द अबोव क्वेश्चन यू कंसीडर देयर प्रॉपर्टीज, देयर ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस, वेट, कलर, द साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम इट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एक्सेट्रा। सब्सटेंस कैन बी आइडेंटिफाई बाय स्टडिंग देयर प्रॉपर्टीज, दे कैन बी पुट टू यूज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। हम ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं जिसकी हमारे इस क्वेश्चन के आंसर से, ट्रांसपेरेंसी, आर पार दिखना, कड़कनेस, हार्डनेस, वेट, वजन, कलर से हमें पता चल जाता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे अगर आप स्टील में किसी को टच करें तो टन की आवाज़ आती है, सॉल्युबिलिटी की किसी में सॉल्युबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें सब्सटेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी के आधार पर, और उनको उसमें अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी हम उस चीज़ को उसका नाम देते हैं कि वो वुडन का दरवाज़ा है कि कांच ग्लास का दरवाज़ा है। अब हम पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस के बारे में। ओके, क्लास में आपने चौक देखी है, चौक को जब आप एकदम से तोड़ते हो तो वो टूट जाती है। ओके, ब्रिक, ईंटें देखी आपने, उसको भी आप थोड़ा सा वो करोगे टूट जाती है, एलम, ग्लास और राजगिरी बड़ी। व्हाट विल हैपन इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सब्सटेंस लाइक चौक, ब्रिक, एलम, ग्लास और राजगिरी बड़ी। इन सब को जब आप कुछ प्रेशर देते हो, या अपने हैंड से या किसी और चीज़ से उस पर प्रेशर डालते हो, तो एकदम से स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाती है। तो जो उनका ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनका छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, ये कहलाता है ब्रिटलनेस। सब्सटेंस ब्रेक इंटू स्मॉल पीसीज और पार्टिकल्स, सच सब्सटेंस आर सेड टू बी ब्रिटल। जो सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है, टूटता है स्मॉल पीसेस और पार्टिकल्स में,
उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल। और जो ब्रिटल सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी को कर रखता है, या ये प्रॉपर्टी है जो कि जिसके कारण वो ब्रिटल कहलाता है, वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, सब्सटेंस की ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। आप ये करके भी देख सकते हैं, तो जैसे आप चौक को करोगे, प्रेशर, हाथ का प्रेशर दोगे, वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, ब्रिटलनेस। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। टेक एन आयरन नेल, ट्राई टू पीस अ कार्डबोर्ड शीट, वेट मड एंड अ पीस ऑफ वुड यूजिंग द नेल्स, व्हाट हैपेंड। आप एक आयरन नेल लीजिए और कार्डबोर्ड शीट के ऊपर गीली मिट्टी, वेट मड दैट मीन्स गीली मिट्टी, और पीस ऑफ वुड यूजिंग द नेल। ओके, आप उसको जब इस नेल्स को कार्डबोर्ड के ऊपर जो गीली मिट्टी है उस पे लगाओगे तो वो इजीली लग जाएगी। ओके, लेकिन जैसे आप उस मिट्टी को हटा दोगे और वुड के जो कार्डबोर्ड में है उसमें लगाओगे तो वो डायरेक्ट नहीं लगेगी, आपको कोई उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या प्रेशर देना पड़ेगा, जिससे अब में ये पता चलता है कि जो नीचे वाला सब्सटेंस है वो कितना हार्ड है। जो उस मिट्टी थी सॉफ्ट थी तो उसमें वो इजीली चला गया, बट अभी जो नीचे का वुड का है हमारा कार्डबोर्ड, वो हार्ड सब्सटेंस होने के कारण हमारी जो नेल है वो डायरेक्ट नहीं जा रही है, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई एफर्ट्स हम उस पर नहीं डाल रहे हैं। द नेल इजीली परसेस वेट मड बट नॉट द पीस ऑफ वुड, इट कैन परसेस द कार्डबोर्ड शीट विद सम एफर्ट, व्हाई डज दिस हैपन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया यही चीज, द हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच रेजिस्टेंस इट ऑफर्स टू द सब्सटेंस बीग पुश टू इट। हार्डनेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिटरमाइन करता है कि कितना चीज को वो पुशअप कर सकता है, मतलब इट ऑफर्स टू द सब्सटेंस बीग पुश टू इट, कितना उस चीज में हम किसी चीज को अंदर डाल सकते हैं, पुश कर सकते हैं, ये सब्सटेंस उसके हार्डनेस पे इफेक्ट करता है। जैसे कई बार सॉफ्ट वुड भी आती है जो कि हम लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ करते हैं, लैब में यूज़ करते हैं, उसमें आप पेपर पिन भी टच करिए तुरंत चली जाती है, तो वो वुडी है बट वो थोड़ी सॉफ्ट रहती है। और जो बाकी वुड्स रहते हैं जो कि फर्नीचर वगैरह में यूज़ करते हैं, दरवाजे बनते हैं, वो एकदम हार्ड वुड रहता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, हार्डनेस क्वालिटी, क्या कहलाती है, हार्डनेस। ओके, स्ट्रेच ए रबर बैंड एंड लेट इट गो और अप्लाई प्रेशर ऑन अ पीस ऑफ स्पंज एंड रिलीज इट। आपने देखा है रबर बैंड को स्ट्रेच करिए और उसको छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो पूरा अपना रबर बैंड खींचता है और फिर वापस अपनी प्लेस पे आ जाता है। और स्पंज को भी आप पुश करिए और उसके बाद आप उसको करते हैं तो वो प्रॉपर अपनी जैसी उसकी पहले की कंडीशन रहती है उस कंडीशन में आ जाता है। द रबर बैंड एंड द स्पंज गो बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। आपने देखा है रबर बैंड और स्पंज अपनी वापस ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। सम सब्सटेंस चेंज देयर शेप व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम बट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द फोर्स इज रिमूव। किसी भी चीज़ के रबर बैंड और ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें शेप फोर्स देने पर चेंज हो जाता है और जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करते हैं वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, अपने शेप में आ जाता है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। ओके,
Take a flat metal sheet of the size of notebook, holding it an angle, put a drop of water, honey and gum at different places on the board. Observe how they flow down the slope. Liquid flow downward on a sloping surface. This property is called fluidity. The fluidity of any liquid is determined by how easily it flows. आप एक काम करिए, एक मेटल की शीट लीजिए या फिर कोई बर्तन भी ले सकते हैं, ओके, उसको हल्का सा स्लांट में रखिए और एक जगह पानी डालिए, दूसरी जगह थोड़ा सा हनी या गम डालिए, तो आप देखते हैं कि वाटर का स्लोपिंग जो है वो बहुत जल्दी फ्लो हो जाता है, लेकिन गम और हनी को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो सब्सटेंस है जो कि उसको फ्लो डाउनवर्ड स्लोपिंग सरफेस में कर रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है फ्लूडिटी। और ये फ्लूडिटी लिक्विड के उस लिक्विड पे डिटरमाइन करती है कि कितना वो इजीली फ्लो होता है। वाटर बहुत जल्दी फ्लो होता है, कुछ सब्सटेंस रहते हैं जो बहुत थिक रहते हैं तो वो एकदम इजीली फ्लो नहीं हो पाते हैं। If two blocks of the same size, one wooden and the other of iron, are weighted in a balance, how would they compare? The mass of different substances having the same volume can be different. These differences is because of the difference in their densities. Between substances of the same volume, the ones with greater density or a heavier than those of the lesser density. आप दो ब्लॉक लीजिए सेम साइज के, एक वुड का और एक आयरन का, उनका बैलेंस वेट का बैलेंस सेम है, ओके, हाउ विल दे कंपेयर, तो आप इनको कैसे कंपेयर करोगे? द मास ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग द सेम वॉल्यूम कैन बी डिफरेंट, उनका जो दिस डिफरेंस इज़ अ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि उनकी डेंसिटी में डिफरेंट है बिटवीन सब्सटेंस ऑफ द सेम वॉल्यूम, जबकि उनके बीच का वॉल्यूम सेम है। द वंस विद ग्रेटर डेंसिटी आर अ हैवियर देन द दोज ऑफ लेजर डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हैवियर होगा और जिसकी लेजर डेंसिटी होगी वो कम हैवियर होगा, कम। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एड सम सॉल्ट, फाइन सैंड एंड शुगर टू इट एंड ट्राई टू डिसॉल्व देम, रिपीट दिस रिप्लेसिंग वाटर विद केरोसिन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप ग्लास, तीन ग्लास लेंगे पानी के, उसमें एक में सॉल्ट, फाइन सैंड और शुगर डाल के उनको डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद आप पानी रिप्लेस करके केरोसिन डालेंगे, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप देखेंगे कि जब आपने पानी में इन तीन चीज़ों को मिक्स किया तो वो एकदम पानी में डिसॉल्व हो गई, बट केरोसिन में डिसॉल्व नहीं होती हैं। सम सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व इन पर्टिकुलर लिक्विड, कुछ सॉलिड पर्टिकुलर लिक्विड में ही डिसॉल्व होते हैं। इफ अ सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड, इट इज़ सैड टू बी इनसॉल्युबल इन दैट लिक्विड। जो सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं वो उस लिक्विड के लिए इनसॉल्युबल कहलाते हैं। जैसे सॉल्ट सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन, सॉल्ट पानी में तो सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, पर केरोसिन में नहीं घुलता। यू नो ऑफ अ मैनी बीवरेज मेड बाय यूजिंग वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस, आपने देखा है मैनी बीवरेज मतलब कॉफ़ी, चाय, ये सब चीज़ें वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंस से बनाई जाती हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ गेटिंग डिसॉल्व इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। कोई प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिसॉल्व करती है किसी लिक्विड में, वो उसकी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी। जैसे आपने पानी में शक्कर को घोला तो वो क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी, शुगर सॉल्युबिलिटी, शुगर की सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, ओके। व्हेन वी कैन लुक थ्रू अ सब्सटेंस एंड सी थिंग
on the other side, then that substance is said to be transparent. आप विंडो में से आर पार देख सकते हो, कार के कांच, कार में से जा रहे हो, आपके उस आउट के सीन आपको अच्छे लगते हैं, साइड सीन तो आप देखते हो, तो ये क्यों दिखता है? क्योंकि कांच की में जो क्वालिटीज़ है, कांच की प्रॉपर्टी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांसपेरेंसी की. ट्रांसपेरेंट चीज़ से हम एक आर पार देख सकते हैं. व्हेन वी कैन टू थ्रू अ सब्सटेंस एंड सी थिंग ऑन द अदर साइड, ऐसा सब्सटेंस जिससे हम अदर साइड की चीज़ें देख सकते हैं, ये सब्सटेंस कहलाता है ट्रांसपेरेंट. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. और ये जो प्रॉपर्टी है वो सब्सटेंस की, वो कहलाती है ट्रांसपेरेंसी. जैसे ग्लास, सम टाइप ऑफ प्लास्टिक, क्लीन वाटर, एयर, ये सारे कौन से सब्सटेंसेस हैं? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कहलाते हैं. आज का चैप्टर, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर में हम, नेक्स्ट पार्ट में हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ें.